हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडियन होम एंड रेसिपीज़ विद नीना। मैं हूं नीना और आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूं एप्पल जूस बनाने के दो आसान तरीके, एक मशीन के साथ और एक बिना मशीन के। जब भी एप्पल का सीज़न हो तो हमें इसके जूस या फल का ज़रूर सेवन करना चाहिए। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। तो चलिए देखते हैं दो आसान तरीके। एप्पल जूस बनाने के लिए यहाँ पर मैंने जूसी एप्पल ले लिए हैं। जूसी एप्पल की पहचान आप कैसे करेंगे? ये छोटे साइज़ का होता है, गहरे लाल रंग का होता है और जब ये कच्चा होता है तो गहरे हरे रंग में होगा। और दानेदार जो एप्पल होता है खाने वाला, उसकी पहचान करने के लिए वो बड़े साइज़ का होगा, हल्के लाल रंग में होगा और जब वो कच्चा होगा तो गहरे पीले रंग में होगा। और इसकी डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी शेयर भी कर चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिलने वाला है, उसमें आप डिटेल में चेक कर सकते हैं। आजकल के जो एप्पल आते हैं उसके ऊपर वैक्स कोटिंग भी होती है, तो आप एक बार एप्पल का जूस बनाने या खाने से पहले उसे स्क्रब करके देख लें। अगर स्क्रब करते हैं तो 30 सेकंड के बीच में कोई प्लास्टिक की मोटी लेयर वाली कोटिंग नज़र आती हो तो इसका मतलब वो वैक्स वाला एप्पल है। उसे छिलके समेत बिल्कुल भी कंज्यूम ना करें, इससे आपके हेल्थ में नुकसान हो सकता है फ़ायदा देने की जगह। तो एक बार इसे ऐसे चेक कर लें। और मैं यहाँ पर एप्पल का छिलका छील करके ही जूस बनाने वाली हूँ, चाहे उस पे ऊपर वैक्स की कोटिंग हो या ना हो, क्योंकि आजकल फसलों को उगाने के लिए कितनी तरीके की कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें प्रिजर्व करने के लिए। तो इसीलिए बेटर है कि इनके छिलकों को छील ही लें। लेकिन फिर भी अगर आप नहीं छीलना चाहते हो तो उन्हें अच्छे से आप विनेगर वाले पानी में धो लें या फिर नमक वाले पानी में धो लें और कम से कम 5-7 मिनट उसे ज़रूर रहने दें पानी में, उसके बाद ही निकालें। अब ये देखिए मैं इसे छील रही हूँ। छीलने के बाद में अब इनको छोटे टुकड़ों में काट लेना है क्योंकि इनका जूस बनाना है। इसके बीच के जो बीज हैं उनको निकाल के अलग कर देना है। और जब भी आपको जूस बनाना हो तो सबसे पहले आप जूस बनाने के जितने भी बर्तन हैं, मशीन है, उसे पहले ही तैयार करके रख लें, क्योंकि जैसे ही हम एप्पल को काटते हैं ना तो काटने के साथ वो एकदम इंस्टेंट अपना कलर चेंज करता है और हल्के ब्राउन कलर में होना शुरू हो जाता है। इससे अगर हम जूस बनाते हैं तो जूस हमारा बिल्कुल भी टेस्टी नहीं बनेगा और दिखने में भी गहरे ब्राउन कलर में लगेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने एप्पल को काट लिया है और अब इसे मैं यहाँ पर ब्लेंडिंग जार ले रही हूँ और इसमें मैं इन्हें ब्लेंड करने वाली हूँ। तो ये देखिए, क्योंकि मैंने बताया आपको कि पहला तरीका मेरा मशीन के साथ ही होगा, तो यहाँ पर मैंने इन टुकड़ों को डाल दिया है और साथ में मैंने डाल दिया है लगभग आधा गिलास पानी। अगर आपको ज़्यादा पतला जूस पीना हो तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, जैसे कि मुझे पतला जूस पसंद है, मैंने यहाँ पर एक गिलास के आसपास पानी और ले लिया था। अब इसे ब्लेंड कर लिया है और ब्लेंड करने के बाद अब इसे मैं छन्नी से एक बार छान लेती हूँ ताकि हल्का फुल्का फाइबर निकल जाए। अगर आपको पतला जूस पसंद नहीं हो तो आप इसमें पानी कम ले सकते हैं। अब ये देखिए हमारा बढ़िया सा होममेड फ्रेश जूस बनके तैयार हो गया है। अब इसे मैं सर्विंग गिलास में सर्व कर लेती हूँ और देखिए फ्रेश होममेड जूस बनके तैयार हो चुका है। ठंडा पीना हो तो आइस क्यूब्स मिला सकते हैं, इसमें मैंने काला नमक भी मिलाया है ताकि इसका टेस्ट और इन्हेंस हो सके। और साथ में मैंने इसमें ना पानी मिलाया है तो इस वजह से इसकी मिठास काफ़ी कम हो चुकी है। तो इसमें मैं मिला रही हूँ शहद लगभग आधा चम्मच, शहद की जगह पर ब्राउन शुगर भी ले सकते हैं। अब इसे मिक्स कर लिया है और स्लाइस से कर लिया है गार्निश। इस जूस को आप जैसे ही बनाते हो इंस्टेंट ही पी लें क्योंकि बहुत ही जल्दी से इसका कलर चेंज होने लगता है और टेस्ट भी। तो इसे आप इस तरीके से होममेड फ्रेश जूस को घर पर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए अभी दूसरा बिना मशीन वाला मेथड भी देखते हैं। बिना मशीन वाले में ये देखिए मैंने एक बर्तन लिया है जिसमें मैंने एप्पल के टुकड़ों को डाल दिया है, कटे हुए टुकड़ों को, और इसमें मैंने डाल दिया है लगभग आधा गिलास पानी। आधे की जगह पर आप एक गिलास भी ले सकते हैं। तो अब मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया है और इसे कम से कम मैं 5 से 6 मिनट तक कुक होने दूंगी। ज़्यादा कुक नहीं करना हो तो आप इसे 3 से 4 मिनट भी कुक कर सकते हैं लो फ्लेम पर। लो फ्लेम पर इसे कुक होते हुए 5 मिनट हो गए हैं और ये बहुत ही बढ़िया से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि इसे मैं मशीन से नहीं करने वाली हूँ इस्तेमाल, तो मैंने पोटैटो मैशर से ही इसे मैश कर लिया है और ये देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से ये मैश हो चुके हैं। ये देखिए बिल्कुल पल्प जैसा बन के तैयार हो चुका है। आप इसे ब्लेंड भी कर सकते हैं, पर मैं बेसिकली ब्लेंड नहीं कर रही हूँ, मैं आपको आगे दिखाऊँगी इसका रीज़न क्या है।
अब यहाँ पर मैंने एक बर्तन दिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ लगभग आधी कटोरी चीनी। तो दो एप्पल हैं तो उसमें आधी कटोरी इनफ है। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हो तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आधी कटोरी ही ठीक है। और एक कटोरी पानी ले लिया है। अब इसे मैं चीनी को घुलने दूंगी पानी में, तो लगभग 3 से 4 मिनट में ये अच्छे से पानी में घुल जाएगी। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं लो फ्लेम पर इसे पकते हुए, चीनी पूरी घुल चुकी है। हमें इसे चाशनी बिल्कुल नहीं बनाना है, सिर्फ चीनी घोलने तक का इंतज़ार करना है। मैंने फ्लेम को बंद कर दिया। अब जो हमने ये एप्पल पल्प तैयार किया है इसकी फ्लेम को भी मैंने बिल्कुल बंद कर दिया है और अच्छे से ये पक ही चुका है। और अब जो गर्म गर्म शुगर सिरप हमने तैयार किया है इसे मिक्स कर लेना है। शुगर सिरप को हमें ठंडा नहीं रखना है बल्कि गर्म गर्म ही मिक्स कर लेना है। और इसे मैं मिक्स कर लेती हूँ और ये देखिए इसे कंटिन्यू चलाते हुए मिक्स करना है। और अभी मैंने फ्लेम को बिल्कुल बंद रखा हुआ है और ये हमारा बिल्कुल बनके तैयार हो गया है। इसमें आप जो एप्पल चंक्स देख रहे हैं ये पीने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और इसका फ्लेवर देख सकते हैं, कलर देख सकते हैं, बहुत ही टेस्टी जूस बनके तैयार हुआ है। अगर आपको ये चंक्स पसंद ना हो एप्पल चंक्स तो आप इसे छन्नी में छान भी सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर छन्नी में छान रही हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना बढ़िया जूस बनके तैयार हुआ है। ये देखिए इसे मैंने सारा छन्नी में छान लिया है और ये देखिए हमारा बहुत ही टेस्टी सा एप्पल जूस बनके तैयार हो चुका है। ये जूस दिखने में जितना टेस्टी लग रहा है ना, पीने में उससे भी 1000 गुना टेस्टी है। और इस जूस की एक ख़ास बात और है कि आप इसे लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं, यानी कि आप इसे 15 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। इसका कलर और टेस्ट बिल्कुल एज इट इज़ रहेगा। और इसे मैंने छान लिया है और ये देखिए हमारा फ्रेश टेस्टी होममेड एप्पल जूस का सेकंड मेथड से भी बनके तैयार हो चुका है। कलर तो आप देख ही सकते हैं कितना टेस्टी है, तो पीने में भी उतना ही टेस्टी है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये एप्पल जूस की दोनों ही मेथड आपको पसंद आए होंगे। एप्पल जूस की एक वीडियो मैं शेयर भी कर चुकी हूँ जिसमें मैंने बहुत सारे तरीके आपको बताए हैं, उसमें आप डिटेल वीडियो चेक कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एप्पल को किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा जूसी एप्पल है, कौन सा खाने वाला एप्पल है। एप्पल की बहुत सारी किस्में होती हैं पर उसमें आप डिटेल में चेक कर सकते हो, उसमें मैंने वीडियो में फुल आपको बताया है और बहुत सारे तरीके भी आपको बताए हैं बिना मशीन के या मशीन के आप एप्पल जूसेस को कैसे निकाल सकते हो। इसमें मैंने उन मेथड्स को नहीं ऐड किया है क्योंकि मैं ऑलरेडी वो शेयर कर चुकी हूँ। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहने वाली है। अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो इसे शेयर एंड लाइक कर दीजिएगा। और जो पहली बार चैनल पे विज़िट कर रहे हों उन्हें अगर ये एप्पल जूस की रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।